नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल सांसद के बयान के बाद कांग्रेस पूर्व पीसी शर्मा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह को गौमूत्र की शीशी कोरियर की है। पीसी शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस का इलाज दवाइयों और इंजेक्शन से ना होकर क्या गौमूत्र से होगा। उन्होंने आगे कहा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का कहना है कि कोरोना का इलाज गौमूत्र से किया जाना चाहिए। वे भी गौमूत्र ले रही है, उन्हें कोरोना नहीं हुआ है, जो कि 70 दिनों के बाद घर से निकलकर सैनिटाइजर बांटते हुए दिखाई दी है। वहीं उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर गौ माता को हम माँ मानते हैं और गौ माता का दूध पौष्टिक होता है। गोबर गौमूत्र का धार्मिक महत्व है, पर क्या इस धार्मिक भावना का प्रदेश और देश की गरीब जनता को गुमराह करने के लिए नहीं हो रहा है? क्या केंद्र के स्वास्थ्य विभाग व मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने यह तय कर लिया है कि अब कोरोना एवं ब्लैक फंगस का इलाज ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शन से ना होकर गौमूत्र से होगा? क्या अब वैक्सीन लगवाने की आवश्यकता नहीं होगी? क्या स्वास्थ्य विभाग ICMR और DRDO यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करते हैं? और ये दो गौमूत्र की शीशे हैं और ये पत्र है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी का, उसकी कॉपी दे रहे हैं भोपाल के NHM को। और ये है कोरियर की रिसीट, जिसे कोरियर किया जाएगा दोनों जगह। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी जो भोपाल की सांसद हैं, जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी, उनका ये कहना है कि गौमूत्र से कोरोना ठीक होता है, इससे इलाज किया जा सकता है। मैं ये गौमूत्र का अर्घ लेती हूँ। सवाल ये उठ रहा है कि इस समय गांवों के अंदर अतिक्रम संक्रमण फैला हुआ है और वहाँ और कोई सुविधाएं अभी तक पहुँच नहीं पा रही, वो शहर में आ रहे हैं। एक धार्मिक आस्था है गौमूत्र के बारे में हिंदुस्तान के लोगों की। मैं केंद्रीय मंत्री जी को चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूँ कि वो बताएं कि ICMR और DRDO ये इसको प्रमाणित कर रहे हैं क्या कि ये गौमूत्र से कोरोना का इलाज हो सकता है, क्योंकि ये ग्रामीण जनता इस ओर जा सकती है साध्वी जी के इस स्टेटमेंट के बाद। और मैं ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि जो कोरोना प्रोटोकॉल, जिसमें ऑक्सीजन रेमडेसिविर इंजेक्शंस, एम्फोटेरिन इंजेक्शन, टोसिल जो चल रहे हैं आज, जिनकी कमियाँ हैं, क्या बगैर इसके भी कोरोना का इलाज हो जाएगा? वो ICMR से और DRDO से इसको साइंटिफिकली प्रूव करें, रिसर्च करें और देश की जनता को संदेश दें, बताएं। अगर ये है तो हम भी इसी लाइन पे चलने लगे और लोगों की इस मामले में मदद करें। ये सवाल मेरा केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी से और NHM जो भोपाल का पूरा स्वास्थ्य विभाग देख रहा है मध्य प्रदेश का, इन दोनों से है, इसलिए दोनों को कोरियर कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो देश को संदेश देंगे कि जो प्रज्ञा ठाकुर जी ने कहा है वो सही है या ये एक भ्रम है। इसलिए भ्रम न फैले, इसलिए ICMR से अप्रूव करा के इस चीज़ को उनको बताना चाहिए, ये उनकी ड्यूटी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। चलिए शुरू करें, हो गया रेडी। ये यार देखो ऐसा क्या दिखा रहे हैं यार, ये चलो इधर आ जाओ आप, जरा आपको उनको दिखाओ। हाँ चलो भोपाल से खबर समाज जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।